क्या मैं ये बाइक लेके जा रहा हूँ या क्या मैं ये बाइक लेके जा रहा हूँ या क्या मैं ये इनमें से कोई और बाइक लेके जा रहा हूँ पीछे। ये ग्लव पहना, ये दूसरा पहना, सिद्धू मूसे वाले को याद किया, भगवान को याद किया और बाइक करते हैं भाई स्टार्ट। ये बंदा 2024 में अंदर गया था, 2025 हो गया, पता लगा है? देखो मेरे सामने वाली खिड़की में एक पाजी प्यारे रहते हैं। पाजी का टुकड़ा रहते हैं बोलने लगा। होती कहीं भी जाओ, इसकी गाड़ी गंदी हो। यार मेरे बाइक की चेसी नंबर पता क्या है? सत श्री अकाल फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपके? ठीक ही हो गए यार। तो भाई मेरा नाम है हर्षदीप सिंह पाहवा, मतलब लोग मुझे जानते हैं हर्ष पाहवा के नाम से। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के माध्यम भाई साहब हिंदी का इतना तगड़ा वर्ड बोल दिया, तो इस वीडियो के माध्यम से जुड़े होंगे, तो उनको पता होना चाहिए मैं क्या करता हूँ। मेरा एक शोरूम है नारायणा में सुपर बाइक्स का और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आपको सुपर बाइक लेने का भी शौक है, सुपर बाइक पे ट्रैवल करने का शौक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जरूर से कर लो। बाकी यार आने वाली वीडियोस, एक इंटरनेशनल राइड करने वाले हम, किन के साथ? मैं अपने गुरुजी के साथ, जट प्रज्योत पाजी के साथ। जितनी भी मैं बड़ी बड़ी राइड्स पे गया हूँ ना, इनके साथ ही गया हूँ। इन्होंने बहुत कुछ सिखाया, यूट्यूब भी उन्होंने सिखाया, तो आज भी उनके साथ निकलेंगे, इसी वीडियो में निकलेंगे। बट ये एक दिन पहले वाला दिन है, अभी मैं मम्मी के साथ थोड़ा काम कराने जा रहा हूँ। 10-12 दिन की राइड होगी तो मुझे बहुत सारे काम पेंडिंग छोड़ के नहीं जाने। तो क्या है ना, राइड से आने के बाद मुझे मेरी मासी की बेटी की शादी में भी जाना है, मतलब एक दो दिन में ही, तो वो बहुत सारे काम होते हैं, आप समझो ना। अपनी सगी मासी की बेटी, मतलब कितने काम होंगे, तो वो भी थोड़े बहुत शॉपिंग करानी है अभी करा के। उसके बाद किस बाइक पे हम निकल रहे हैं वो भी आपको पता लगने वाला है। उस बाइक की डिलीवरी लेके जाएंगे, अपने नाम पे मैंने वो बाइक करवा ली थी एंड सब कुछ, मतलब डॉक्यूमेंटेशन रेडी करा दी, बाइक भी बिल्कुल रेडी करा दी है। बट ये सरप्राइज है क्योंकि इंडिया में वो मात्र 10-12 बाइक्स हैं, इससे ऊपर वो बाइक्स है ही नहीं। CBU यूनिट है, मतलब बाहर से बन के आई हुई है। कौन सी बाइक है, क्या है, अभी चलते हैं शोरूम, दिखाते हैं आपको। उससे पहले शॉपिंग करा दूं मम्मी और नानी को, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और चलते हैं फटाफट से मार्केट। बल्ले बल्ले, तो शाबा शाबा, आ गया आपका हर्ष पाहवा, शाबाश। चलो भाई मिलवाता हूँ आपको नानी से भी मम्मी से भी। मम्मी और नानी पहले ही नीचे पहुंच गए, उनसे मिलवाता हूँ आपको नीचे जाके। मैं कैसे निकलूं? बाहर ही तो है भाई गाड़ी, इसी में चलेंगे, थार अंदर है ना। हम जा ही रहे थे, एक मेरा पार्सल आना था वो भी आ गया, मम्मी ने रिसीव कर लिया। अब आगे करूं गाड़ी और मम्मी को बिठाऊं। जब भी मम्मी को बिठाना होता है ना, गाड़ी बहुत गंदी होती है और मुझे बेइज्जती लगती है कि अब गालियां पड़ेंगी। चलो जी बैठ जाओ। क्या कहते हैं, कच्चा पक्का मौसम है, कच्चा पक्का मौसम है, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है। बाकी मम्मी आप जब भी बैठते हो गाड़ी साफ मिलती है ना आपको? जब भी तरक्की होती गाड़ी होती, कहीं भी जाओ इसकी गाड़ी गंदी होती। यार वो रात को बारिश भी तो आई थी ना, बाहर कुछ भी है ना, तेरी गाड़ी कहीं भी जाना हो तो। चलो जो भी है, आज मैं बता रहा था ना आपको कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम शॉपिंग पे नहीं जा रहे। पहली चीज तो हम जा रहे हैं कपड़े चेंज करवाने नानी को मेरी। ओ भाई अभी गाड़ी ठुकती। मेरी नानी को बहुत चूजी कपड़े पसंद आते हैं, तो पहले नानी कह रहे थे कि तुम कपड़े ले आओ, तो मैं और मेरी बहन लेके जाके कपड़े ले आए थे, तो नानी को वो पसंद नहीं आए, तो अभी हम वो चेंज कराने जा रहे हैं। तो बस यही है, शॉपिंग तो पहले हो गई थी, चेंज कराने जा रहे हैं अभी फिलहाल कपड़े। मम्मी को एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या मंगाया है, मैं कह रहा था आपके लिए कुछ मंगाया, खोल के देख लो, तो मम्मी यहाँ पे अभी अनबॉक्सिंग कर रही है। देखो क्या आपके लिए, क्या ट्रॉली है? हाँ, जो आप सब्जियां लेके आते हो ना उठा उठा के, अब इसमें लेके आना आराम से ट्रॉली में घसीट के। गुड गुड, सही नहीं है? बहुत निकाल तो लो, ये काम अच्छा किया नालायक बच्चे ने। अब इसमें मेरे ख्याल 5-7 किलो आराम से सामान आ जाएगा आपका। ले, कैसा है? निकालती तोड़ दिया बस, निकालती तोड़ दिया, बताओ। अबे यार नुकसान कर दिया ना मेरा 1500 रुपए का। इसको जोड़ दूंगा अभी घर जाके, पीछे फेंक दो, जोड़ दूंगा, टूटा नहीं है। पकड़ लो। तोड़ दिया मम्मी? नहीं तोड़ा है, नुकसान पे नुकसान करते रहते बस। अभी ना नानी ने बहुत बढ़िया बात बताई है, नानी बोलना एक बार दोबारा। टेक इट इजी, कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ना तो टेक इट इजी बोलो। अरे वो भी बता नानी, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करो। हाँ। तो गुस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा वो गुस्से के लिए है, वो और बैक काउंटिंग। हाँ। वो बैक काउंटिंग। 10 9 8 7 6 5।
ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ, ਜ਼ਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਮਾ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ। मम्मी और नानी को ना मैंने शॉप के बाहर उतार दिया था, अभी पार्किंग में गाड़ी लगा के सामान वापस लेके जा रहा हूँ। क्या चेंज करवाना है? ये वाला सही लग रहा है वैसे, नानी के हिसाब से सही लग रहा है ये वाला। नानी ने उसको बोला बाहर जाके मुझे पहले कलर दिखा, मतलब मेरी नानी इतनी चूजी है ना कि अभी भी एक घंटा हो गया अभी भी उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा। आ जाएगा हौसला है भैया, दो घंटे में दो सूट पसंद करे नानी ने, और फिर उसके बाद घर में पहनने के लिए भी एक सूट ले लिया, मतलब तीन सूट टोटल। तो दो घंटे में तीन सूट नानी ने पसंद करे, वो भी चेंज कराने गए थे हम। चलो जो भी है, मैं तो आंखें खोल के सोया हुआ था, नानी पूछती थी अच्छा है, मैं ऐसे होता था, मैं कहा हाँ हाँ बढ़िया आप देखो, अगर मैं पसंद कर लूंगा घर जाके उनको वो भी पसंद नहीं आएगा। तो नानी ने एट दी एंड पसंद कर लिया सूट, अभी नानी को भी उठाना है, मतलब वहां से पैक करना है मम्मी और नानी को। नानी इज गेटिंग ओल्ड डे बाय डे, बहुत मुश्किल से सीढ़ियां उतरती है नानी मेरी। मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैं प्रियंका की पसंद का ले लेती हूं, बच्चों की पसंद का। अब तो पसंद है ना नानी, अब तो नहीं चेंज कराना पड़ेगा। गगन कह रहा है कि वो पक्का ना, प्रियंका कह रही है क्लिप ले लो पास में ही, मैं कहा गगन को लेट हो रहा है। अब आप वहाँ से लेना क्लिप, वहाँ है तो सही, हमारे वहाँ मार्केट नहीं है, क्लिप ले लेना, मार्केट में नहीं आता ना। चलो यार मैं बोर हो गया। अभी फिलहाल यार घर वापस आया हूँ क्योंकि मुझे थार उठा के लेके जानी है, I-20 यहाँ पे खड़ी करनी है। थार हम ऑफिस के बाहर खड़ी करके रखेंगे क्योंकि 10-12 दिन मैं यहाँ पे हूँगा नहीं, तो थार नीचे खड़ी रहेगी, फिर गाड़ी अंदर बाहर करनी होती है पार्किंग से, ऊपर वालों को प्रॉब्लम होगी। तो थार उठा के वहाँ लेके जाएंगे एंड I-20 नीचे खड़ी करेंगे, और वहाँ से लेके आएंगे अपनी बाइक, वहाँ पे मेरी स्कूटी भी खड़ी है। चलो स्कूटी भी वहीं छोड़ देंगे, 10-12 दिन लड़के आज कर लेंगे। बाकी इसको जोड़ूँ यार मैं, पहले इसको जोड़ के टायर गिर गया, इसको जोड़ के फिर मम्मी को दूंगा, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। लो मम्मी ठीक है, अरे सही नहीं लग रहा है ना, बढ़िया आ जाएगा इसमें 5-10 किलो। कैसे लटकाया हुआ? पीछे से लटकाया हुआ यहाँ से ना। अच्छा अच्छा, जब सामान होगा तो हैवी हो जाएगा तो नीचे की तरफ जोर पड़ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, अच्छा ये लंबा है, लोगों ने आज के चौरस वाले ले रखे, बट ये भी अच्छा है। चौरस वाले बीच में सब्जी डालते जाते हैं ऐसे ऐसे ही, ऐसे ही डालनी है इसमें भी। हाँ वो तो मुझे भी पता ही, कपड़ा हो गया ना एक से। ठीक है वैसे। हाँ नहीं ठीक, मम्मी खुश तो हम भी खुश। दिखाना आपको चाबी चाहता था, बट नीचे संतरा भी है, ये मम्मी का प्यार होता है भाई, जाते जाते ना एक ना एक फ्रूट मम्मी हमेशा पकड़ा देती हैं कि खाता हुआ जाइयो। अभी हम फिलहाल थार पे निकलेंगे भाई, लेट हो गए ऑलरेडी। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है यार कि मैंने थार क्यों ली थी, बट जो नए जुड़े हैं अभी मेरे साथ तो उनको मैं बता दूं, जब सिद्धू मूसेवाला एक्सपायर हुआ था तब मुझे इंस्पायर करके गया था कि भैया थार मर्दों की चीज़ है, उस पर ही वो एक्सपायर हुआ था बेसिकली। तो बहुत उस टाइम ना थार थार हुई हुई थी, और अरे एम्बुलेंस आ रही है, एक सेकंड पहले एम्बुलेंस को रास्ता दे, चली गई आगे। हाँ तो तब मैंने थार ली थी और वही वाला मॉडल लिया था जो उसके पास था, तो मेरी ना पूरी तैयार व्यार है थार, जो नए बंदे उनके लिए बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ 8-1 लाख का सामान लगा हुआ है, दिल्ली में ऐसी थार कहीं पे भी नहीं है, तो मुझे अपनी थार से बहुत प्यार है। और अभी फिलहाल इसको ऑफिस छोड़ के जा रहा हूँ। बट एक चीज़ और, आज न्यूज़ में एक चीज़ आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला की मम्मा एक्सपेक्टेड है, एक बेबी को जन्म देने वाली है वो नेक्स्ट मंथ, जो कि बहुत शॉकिंग है। हम गानों की वेट करते थे कि पाजी के गाने आएंगे, जो बचे हुए गाने हैं उनके फादर रिलीज करते थे, बट अब क्या रिलीज हो रहा है ये तो भाई बहुत शॉकिंग था। और जो उनके फैंस हैं वो तो पागल हो गए हैं कि सिद्धू वापस आ रहा है, एक तरीके का दिमाग में तो यही आ रहा है ना कि सिद्धू वापस आ गया तो क्या होगा, जिन्होंने उसके साथ बुरा करा उसके साथ क्या होगा, उसका भाई हुआ या बहन हुई जो भी पैदा हुआ वो उसका बदला लेगा, तो वही चीज़ दिमाग में है। तो आज ना अभी एक सिद्धू मूसेवाले के लिए स्पेशल चीज़ भी करूँगा, ये न्यूज़ मिली है ना, ये थोड़ी खुशी की न्यूज़ है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल भी करता हुआ मैं राइड पर निकलूँगा। क्या मैं ये बाइक लेके जा रहा हूँ, या क्या मैं ये बाइक लेके जा रहा हूँ, या क्या मैं ये इनमें से कोई और बाइक लेके जा रहा हूँ पीछे। हाँ जी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, बढ़िया। अच्छा इनकी भी एक स्टोरी है दोनों की, जब इन्होंने बाइक की डिलीवरी ली थी ना मौसम की, इन्होंने कहा था कि मेरी बाइक की वीडियो डाल देना यूट्यूब पे, मैंने बनाई हुई थी तब मेरा फोन घूम गया, उनकी वीडियोज भी चली गई। तो अभी फिलहाल क्या सीन है, हाँ पाजी सिद्धू मम्मी को पता लगा ना, हाँ पता है, और मैं आज वो भी लेके आया हूँ, दिखाओ दिखाता हूँ। इन्होंने ना मुझे कुछ दिया था भाई यार, क्या कोइंसिडेंस है, सही है दिखाते ये इन्होंने मुझे, ये मूसा पिंड गए थे वहाँ से लेके आए थे मेरे लिए,
और एक वो भी थी ना कीचेन, ये मेरी बाइक पे लगा देना, ये सिद्धू को ट्रिब्यूट है। आज ये इतनी अच्छी न्यूज़ मिली हमें तो उसके लिए हम ट्रिब्यूट देंगे, ये हमारी कीचेन ये बनेगी और ये हमारी थार में लगेगी। अपने हाथ से लगाना भाजी। हाँ जी, अगर कुड़ी होगी तो और मजा, कुड़ी हो जाए मुंडा हो जाए, आग तो भी बच्चा पैदा होगा ना वो आग लगाएगा, प्लस वो क्वीन या किंग बनेगा पैदा होने से पहले ही बन गया इसी गल पे। हाँ इसी गल पे, शाबाश। अपनी बाइक उठाने से पहले ना आपको दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या स्टॉक खड़ा है फिलहाल, जिनमें से मतलब मैं कुछ भी ले जा सकता हूँ, बट मैंने वो बाइक क्यों सिलेक्ट करी वो बाइक दिखाने के बाद आपको बताऊंगा। ये है भाई अपनी फेवरेट बाइक है, मतलब मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि सबसे बढ़िया बाइक मुझे निंजा 1000 लगती है, बट मैं इस बार ये नहीं लेके जा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत हैवी है और इस पर ऑफ रोडिंग नहीं हो पाएगी। ये है अपनी Z900 जिस पे हम बहुत टूरिंग कर चुके हैं, बट इससे मैं बहुत थक गया हूँ तो अब इस बार ये भी नहीं लेके जाऊंगा। इस पे ऑफ रोडिंग हो जाती है बट बहुत मुश्किल से होती है। अपनी 14R है, 14R तो भैया क्या ही बताएं, इतनी भारी बाइक है नहीं लेके जा पाऊंगा। निंजा 300 ऑफ रोडिंग हो जाएगी बट मैं अभी इस पे करना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये बहुत लाइट बाइक है और इस पे पैनियर्स वगैरह लग नहीं पाएंगे। उसके बाद ये वर्सेस 650, ये है मतलब की बाइक, बट हमारे ग्रुप में प्रभजोत पाजी ने कल खरीद ली है तो एक तो बाइक जा ही दी है वर्सेस 650, तो ये भी नहीं लेके जा रहा। हार्ले भाई टूरिंग बाइक नहीं है, क्रूजिंग बाइक है, तो ये भी अपने स्टॉक में खड़ी है। ये सारी बाइक बिकने के लिए हैं, ये भी वहाँ पे भी वो भी, एंड दिस अगेन निंजा 300 जो कि सेम रीज़न है उसके जैसा, एंड दिस ये है बेनेली की, इसका मॉडल नेम नहीं पता मुझे बट बहुत सुंदर है, डुकाटी की डेविल जैसी सेम दिखती है। ये भी क्रूजिंग बाइक है तो इस पर क्रूजिंग कर सकते हैं बट टूरिंग नहीं। और टेन आर तो भाई ट्रैक बाइक है, ये तो इनसेन मशीन है, इस पर भी ऑफ रोडिंग टूरिंग नहीं हो सकती तो ये भी नहीं लेके जा पाऊंगा, बट आप लोग आके ये खरीद सकते हो भाई ये सारी बाइक्स। और बाहर भी और भी दिखाता हूँ। भाजी क्या खिला रहे हो, क्या बात है, पहला पीस तो आपने उठा लिया। नहीं पाजी, जहाँ जा रहे हैं ना, जहाँ जा रहे हैं आपको पता है कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे जो खाने का है ना मैटर बहुत बढ़िया है, सुना तो है, बाकी देखते हैं वहाँ जाके क्या बात है। एक ये भी बाइक आई हुई है हमारे पास, स्ट्रीट रॉड यार टूरिंग नहीं हो पाएगी, ऑफ रोडिंग भी नहीं हो पाएगी, ये क्रूजिंग बाइक होती है, सिटी में चला लो क्रूजिंग कर लो तो उसके लिए बहुत जबरदस्त बाइक है, आप बाय कर सकते हो, बट मैं ये भी नहीं लेके जा रहा ऑफ रोडिंग के लिए। कुछ बाइकें उस तरफ खड़ी है, दिखाता हूँ। ये अगेन निंजा 300 DL नंबर, ये अगेन निंजा 300, ये Z900, इन सबके रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं क्यों नहीं लेके जा रहा, बट आप ये जरूर खरीद सकते हैं। और अगली बाइक है RN83, ये भी क्रूजिंग बाइक है, ये भी नहीं ले जा सकते, बट ये जरूर मैं ले जा सकता हूँ। तो क्या ख्याल है, क्या ये मेरी बाइक है, टाइगर 800, मतलब जबरदस्त चीज है, इस पर टूरिंग आराम से हो जाती है। और एक ये बाइक है भाई जावा, राहुल मॉडल कौन सा ये, 2023 मॉडल, अक्टूबर मॉडल, 4 महीने पुरानी होगी। और क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं बॉबर 42। बॉबर 42, हाँ। अच्छा, 260,000 रुपए की ऑन रोड आ रही है आपकी और लगभग 20,000 रुपए का सामान लगा हुआ, 280 की बाइक हम ऑफर कर रहे हैं 1,00,000। बट आपका भाई ये भी नहीं लेके जा रहा, ये भी बिकने के लिए है, तो बिक गई ले लो है। अबे यार बताओ, दिखाते ही बिक गई ऐसे, मतलब मुंह में तेरे घी शक्कर होना चाहिए। तो ये बढ़िया है, ये भी बाइक है, और ये नहीं दिखानी अभी। और एक निंजा 300 और खड़ी है पीछे, एक निंजा 300 और खड़ी है। तो ये सब बाइक्स थी, बट आपके भाई की बाइक है ये, सो दिस इज माय बाइक वर्सेस 300, ज़बरदस्त चीज़ है भाई। इसके आगे लाइट्स भी लगी हुई हैं, टायर्स भी मैंने चेंज करा दिए थे, रेडिएटर ग्रिल सब कुछ ऑलमोस्ट चेंज करा दिया था, कुशनिंग भी करा दी सीट्स की, फ़ोन होल्डर भी लगा दिया था। अरे इसका फ़ोन होल्डर कहाँ है, अंदर होगा, चलो देख लेता हूँ। चार्जर भी लगाना है यार अंदर, ये याद आ गया मुझे नया। और ये फिटेड आती है भाई लाइट, लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, बटन आता है फिटेड, आता है कंपनी फिटेड। और अभी इस पे पैनियर भी लगेगा, और बाइक चेक करो यार, है ना ज़बरदस्त। तो ये बाइक ले जाने का मेरा एक ही रीज़न है, ये बहुत लाइट बाइक है, इसको मैंने अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाई है। मैं काफ़ी टाइम से वर्सेस 300 ढूंढ रहा था, मुझे टूरिंग के लिए एक बाइक चाहिए थी ऐसी, जो कि मुझे मिल गई एट दी एंड। तो यार लाइट बाइक है, पावरफुल है, डबल सिलेंडर इंजन है, ऊपर से 135-140 की स्पीड भी है, सो ऑल टुगेदर बहुत अच्छी है, डबल स्टैंड भी है इसमें, तो ऑल टुगेदर दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक फॉर टूरिंग। और अभी इस पर पूरी रेडी करके ना, टैंक बैग लगा के, पैनियर लगा के, सामान टो करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ ये बाइक है क्या। इसकी डिलीवरी भी ले ही लेता हूँ, है चाबी लेके मैं भी फील ले लूँ डिलीवरी की, मेरे नाम पे बाइक है यार, ले लूँ ना, ले लेता हूँ। मेरे GoPro का माउंट का ना ये टूट गया था, तो मैंने अभी फेविक्विक से जोड़ा तो हुआ है, बट मुझे रिस्की लग रहा है बहुत ज़्यादा कि रास्ते में कहीं टूट ना जाए। तो सुशांत थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू, ये मेरे लिए ले आया, इसके पास पड़ा था एक, तो मैंने कहा यार थैंक यू सो मच, मुझे करोलबाग जाना पड़ता है इसके लिए। ये भी टूटा हुआ, बट मैंने इसका ऑल्टरनेट खरीद लिया, मेरे पास है,
बट ये ना मेन है मेरे लिए, क्योंकि इससे थोड़ी एक्सटेंड हो जाता है ना, थोड़ा अपने फेस के आगे दिखता है गोप्रो ऑन है कि नहीं है। हमारा गोप्रो थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो हेलमेट से दूर दिखेगा दिखेगा। बस अब सारी चीजें हो गई हैं, मेरे को राइडिंग पैंट चाहिए जो कि अभी सुशांत ने मंगा ली है। राइडिंग पैंट यार वो कौन सी मंगाई है, कौन सी कंपनी की है? स्पीड की है। स्पीड की है ना, स्पीड है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, वो मंगवाई हुई है। जैसी आएगी पहन के देख लेंगे, फिर निकलूंगा यार बाइक उठा के। स्मृति मुझे याद नहीं करेगी पाजी, आप नहीं याद करोगे पाजी? मैंने तुम्हें हर सेकंड याद करूंगा। हर सेकंड क्यों करोगे पाजी, मैं इतना प्यार हूं आपके लिए पाजी। आप क्या कह रहे हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है? बिल्कुल। खिड़की से देखना कैसे, एक बार देखना कैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है फोटो है ये, कसम से लग रहा है। लगी ना फोटो में, ऐसे फोटो से बाहर निकले हुए। चलो ठीक है यार पाजी, गाना एक बार। मेरे सामने वाली खिड़की में एक पाजी प्यारे रहते हैं। पाजी का टुकड़ा रहते हैं बोलने लगे। पाजी का टुकड़ा रहते हैं। चलो ठीक है यार, अभी पैंट आएगी फिर बाइक लेके निकलेंगे पाजी। ऑल द बेस्ट करो। ऑल द बेस्ट पाजी। थैंक यू पाजी, थैंक यू। तरफ से मैंने हेल्प मांग ली, मैंने कहा भाई चेन टाइट कर दे थोड़ी सी, क्योंकि चेन मुझे लूज लग रही थी। और मैंने यहाँ पे राइडिंग पैंट भी पहन के देख ली अपनी, ओके मैटर लग रही है बिल्कुल। ये मेरी पुराने वाली पैंट है, मुझे बाय चांस मिल गई, 30 साइज है, थोड़ा सा टाइट है बट ठीक है यार, काम चलाऊंगा, अब नहीं छोड़ना लूँगा। स्पीडी की है, विच इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, मतलब मैंने उस टाइम ली थी कुछ 17-18 हज़ार रुपये की शायद, जितना मुझे याद है, बट ठीक है यार बढ़िया है। गंदी हो रही है बट ओके है। फोन माउंट वैसे मैंने इंस्टॉल करवा लिया था, अंदर पड़ा है, अभी निकाल के मैं इंस्टॉल कर दूंगा। मगर यार ये देखो जीवी का जो टैंक बैग है, इसमें भी आप फ़ोन रख सकते हो, यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह अंदर से। और आप ये व्यू चेक करो, जब आप बाइक चला रहे होगे ये व्यू मिलेगा, और आप मतलब आपको इधर नहीं देखना पड़ेगा, सामने आँखें रहेंगी, नेविगेशन लगा के आप सीधा चल सकते हो, है ना बढ़िया चीज़। रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए हैं देखो, मतलब अब मेरी बाइक ना ऑल टुगेदर कितनी बल्की लग रही है। अब ये 300 cc है सोचो, वर्सेस 300, और इतनी चौड़ी इतनी बड़ी। अब ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस अब टाइम देखो यार, 7 बज गए हैं, मेरी पैकिंग रह गई, और गोप्रो फिट करना है अपने हेलमेट में, और माइक भी टेस्ट करना है तो बड़े बड़े काम, निकल ही जाता हूँ भाई, मेरे को जाने दो यार, अब लेट हो गया। अब एक बार टेस्ट राइड मैं भी ले लूँ, सबको चलवा दी मैंने भाई। अगर भाई सरब ना होता ना, सरब ने भी कैमरा पकड़ा हुआ है, अगर ये ना होता भाई 10 चीज़ें और रह जाती आज। सही है, 120 भगा के देखिए भाई जा रही है, तो अब मैं BMW की टक्कर में चला लूँगा, यकीन हो गया। बस अब जाने से पहले ये छोटा सा काम रह गया है, पाजी के शुभ हाथों से करवाऊंगा। लगा दो पाजी। अगर पाजी तुझे सिद्धू मूसे वाले के हार्डकोर फैन हो? बिल्कुल पाजी, फ्रेंड नहीं फैन, हाय पप्पी कर दी। चलो थैंक यू सो मच। अब एक और है वो थार पे लगाऊंगा। चलो जी टाइम आ गया अब घर ले जाने का बाइक को, सुंदर लग रही है ना, कमेंट सेक्शन में बताना। चल भी राहुल, अब मैं मिलूंगा तेरे से 13-14 दिन बाद, और ध्यान से तो जाऊंगा, और आपसे मिलूंगा मैं सुबह अब सीधा, क्योंकि मेरे पास गोप्रो नहीं है, माउंट नहीं है, तो अब सीधा वहां मिलेंगे। ठीक है पाजी, ओके टेक केयर, बाय 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 बाय। चलो जी बस भाई सब कुछ रेडी हो गया, टाइम हो रहा है सुबह के 6:15, और रुपजोत भैया का वेट कर रहा हूँ कि कब वो निकलेंगे और कब मुझे बोलेंगे कि तू भी निकल। कहाँ जा रहे हैं हम? सबको वैसे ऑलमोस्ट पता ही है, इंटरनेशनल राइड वाले नेपाल गए थे, नेपाल तो अब जाएंगे नहीं, तो पास में क्या आता है अपना भूटान, तो भूटान के लिए भाई निकल रहे हैं, मतलब ड्रीम ट्रिप होगी ये भी। कंट्रीज अगर आप जा रहे हो ना इंडिया से कोई और कंट्री, तो वो आपकी ड्रीम ट्रिप ही है। मतलब मैंने तो यही सोचा हुआ है कि मैं बहुत सारी कंट्रीज अपनी बाइक पे घूमूंगा, तो सपना साकार होने जा रहा है आज भी। प्रज्योत भैया, साइवादी, ओमकार भैया, एक आमिर भैया है उनसे मैं कभी मिला नहीं, और एक मैं, हम ये 5 राइडर्स 5 बाइक पे दिल्ली से निकल रहे हैं इंटरनेशनल राइड की ओर, भूटान की ओर। तो अभी फटाफट से बैग नीचे लेके जाएंगे और टाई करेंगे और निकल जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। चलो यार चलते हैं, लेट हो गए। क्या चीज़ लग रही है ना मेरी चम्मक छल्लो, बस ये टॉप बॉक्स लग जाएगा ना जीवी का, कंप्लीट लगेगी, थोड़ी ब्रॉड लगेगी, ऐसे थोड़ी पतली लग रही है। देखो भाई इजी टू पुट, ये रखा एक हाथ से लगा दिया बस, है ना चीज़। अब इससे देखो मेरी बाइक क्या लग रही है, होगी ब्रॉड। अब बस टैंक बैग और लगेगा जीवी का, अभी बस ऐसे रखना है, ये डन। नीचे आया हुआ 5 मिनट हुए हैं, सामान लगाया, एकदम मैसेज आ गया कि हम भी निकल गए हैं, तो वो निकल गए हैं, मतलब उनको लगेगा 25 मिनट मोतीबाग पहुंचते हुए, और मुझे लगेंगे 15 मिनट मोतीबाग पहुंचते हुए, तो 10 मिनट का है मेरे पास बफर। बट देखो ना जैसे नीचे आया, मैंने आपको कहा था ना मैसेज आ सकता है, आ गया, निकलते हैं भाई, अब बस हेलमेट पहनना है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, माइक एक बार टेस्ट करना जरूरी होता है भाई।
अब मैं क्लिप बंद करूंगा और माइक की आवाज सुनूंगा पहले। चलो जी, मोती बाग गुरुद्वारे की लोकेशन डाल दी है। ये ग्लव पहना, ये दूसरा पहना। सिद्धू मूसे वाले को याद किया, भगवान को याद किया और बाइक करते हैं भाई स्टार्ट। बोले सो निहाल सच श्री अकाल, भगवान मेहर करना। इंटरनेशनल राइड है, हमेशा की तरह साथ रहना और बस कृपा करे रखना अपनी। ए चलो जी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओ तेरी, बैग तो छोड़ी गया अभी काम हो जाता मेरा। आई होप कि आपको GoPro का व्यू बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं अपनी मंजिल की और भूटान की और आई थिंक 3 दिन के आसपास लगेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं प्रभजोत भैया के साथ आई थिंक 6ठी या 7वीं जगह जा रहा हूं राइड पे, मानोगे। मैंने भी कल शाम को हिसाब लगाया था, मैं गया हूँ उनके साथ सचपास, गोवा, स्पिति वैली, मुनस्यारी और कहाँ गया था, अमृतसर, नेपाल और पता नहीं एक जगह और गया था, याद नहीं आ रहा। बट अब 7वीं जगह, ऑलमोस्ट 7वीं 8वीं जगह, अब हम जा रहे हैं भूटान। तो भाई भूटान 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 वालों आ रहे हैं भाई, शेर आ रहे हैं, 5 शेर आ रहे हैं, नहीं नहीं 4 शेर, 1 शेर नहीं आ रही है भैया। घर से निकला था ना, 22 मिनट का रास्ता दिखा रहा था और निकले हुए मेरे को हो गए हैं 20-25 मिनट और अभी भी दिखा रहा है 18-19 मिनट का रास्ता। क्या किया जाए भाई, इतनी सुबह भी जाम लगा हुआ, मतलब 7 बजे के आसपास जाम लगा हुआ है यार इस रोड पे। कमाल हो गई यार आज तो, गालियाँ पड़ेंगी प्रभजोत भाई से। अभी प्रभजोत भैया का फोन आया, कहते कहाँ पे है भाई, 15 मिनट से यहीं खड़े हैं। मैं कहा नहीं यार 15 मिनट तो नहीं हुए होंगे, कहते हो गए साइबर से पूछ लियो आके। मैं कहा चलो पूछ लेता हूँ आके, बस पहुँच गया, गालियाँ ना पड़े बस। आ गया आ गया आ गया शर्म तो नहीं आ रही हो? कितनी देर हुई है? 15 मिनट। झूठ मत बोलो भाई, कितनी देर हो गई खड़े हुए? हेलमेट उतार दिया, ये बांध लिया, ठाठा उतार दिया, सॉरी। 7वीं 8वीं राइड है, कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना आपसे। ओके मैटर, ओके मैटर, क्या क्या भर के लिया? क्या हाल है जी? ऑल गुड, क्या हाल है, ठीक हो? बस बढ़िया, आप बताओ। कौन सा, ये ना टांगू, मान दूंगा पीछे बाद में। बाइक ठीक नहीं लग रही बाजी, लाइट भी है चालू है। हाँ हाँ कंपनी फिटेड है, चले चलो। ओए होए 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 होए, बड़ी बड़ी बाइक है। पिंक कलर इज लुकिंग गुड, ग्रीन कलर इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अभी तो रुक जाओ, कर लूंगा कर लेंगे अभी थोड़ी देर में करते हैं। चाइनीज वाला कनेक्ट हो जाएगा? नहीं हमारे से भी हो जाएगा, नहीं ये परेशान नहीं करता। अच्छा इसको परेशान करेगा है? हाँ, ये कुछ नहीं बताएगा। मैं आमिर भाई को कह रहा हूँ, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, एक इससे भी बड़ा भाई आता है, वो अभी हमारे ग्रुप में है नहीं। चलो जी अब हुई है भाई एक्चुअल राइड स्टार्ट। यहाँ से 4 बंदे इकट्ठे हो गए ना, अब लगता है कि राइड हो गई है स्टार्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपको पता है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी आ चुके हैं और यहाँ से हम राइड स्टार्ट करते हैं ऑलमोस्ट हमेशा, मतलब मिलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रभजोत भाई और मैं तो, जब भी मतलब राइड पे जाते हैं। हल्का हल्का जाम सुबह मिल ही रहा है यार, लगा नहीं था कि इतनी सुबह जाम होगा। हम सुबह इसलिए निकलते हैं कि जाम ना मिले, बट मिल ही रहा है हर जगह जाम ऑलमोस्ट। अरे भैया भैया भैया, वो खड़े हमारे खन्ना जी, खन्ना जी, खन्ना जी। सो ये हमारा लाइनअप अब पूरा होगा, यहाँ पे कौन कौन सी बाइक जा रही है ना पता लग जाएगा आपको। एक हिमालयन जा रही है भाई, एक BMW 1250। मैंने नहीं लेट कराया, मैंने कुछ लेट नहीं कराया यार, 10 मिनट लेट कराया था बस, सॉरी। चलो 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 चलो, हियर वी गो। हमारे भाई राइडर्स पूरे हो गए हैं और यहाँ से हमारी असली राइड अब स्टार्ट हो रही है। वहां से भी मैंने कही थी मोतीबाग से कि असली राइड अब स्टार्ट हो रही है, बट अभी भी असली राइड अब स्टार्ट हो रही है क्योंकि अब सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब खुली रोड्स हैं, मजे उठाएंगे, अब प्रॉपर राइड का लुफ्त उठाएंगे मतलब। अरे भाई बहुत भागती है ये तो, 162 पे भी ऐसा लग रहा था कि अभी और आगे जाएगी। सही है सही है सही है, वेरी नाइस। राइट नाउ वी आर एट यमुना एक्सप्रेसवे और यहाँ की रोड बहुत बढ़िया है, मतलब चलाते जाओ आपको पता भी नहीं लगेगा, मक्खन रोड्स है भाई। Here we go, हमारी राइड का पहला टोल, वेट कर रहे हैं भाई, कोई पैसे लेने वाला नहीं आई थिंक। कितने रुपए देने हैं? 125 टू व्हीलर, 60 रुपीज देने हैं। तो भाई एक बत्ती नीचे हो गई है,
पेट्रोल की। आई थिंक ये एवरेज देगी कुछ मेरे को 25 से 30 के बीच में, जिस स्पीड में मैं चला रहा हूँ, क्योंकि 300 सीसी है ना, 300 सीसी के अकॉर्डिंगली हम 160 चला रहे हैं, 150 चला रहे हैं, तो एवरेज थोड़ी कम हो जाती है। अभी रेंज है 263। ठीक है, बढ़िया, पे हो गया ना भैया, थैंक यू। जद्दा लग्या पता फेवरेट रंग है तेरा काला नी, हर चीज है पावा उसे रंग दी, जच जो तेनू बड़ा नी। अभी बस जैसे ही टोल पे करा ना, फिर यहाँ पे रुक के बहुत सारी बातें करी, हंसी मजाक करा, लेटे मतलब एक दूसरे की टांगे खींची, अब फिर से निकल गए हैं भाई मंजिल की। और अभी अभी मुझे पता लगा है कि हमारी मंजिल अभी भी 13 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप्स पे, 13 घंटे मतलब अभी हम बिहार जा रहे हैं सीधा, तो बिहार जाके पता नहीं कौन सी जगह बता रहे थे प्रभजोत भाई कि वहां पे रुकेंगे। डील का कंटेंट निकालना भी बहुत मुश्किल होता है भाई, देख लो हाथ में फोन पकड़ना पड़ता है ऐसे, क्या बात है, जबरदस्त। जो पर्ची हमें पीछे मिली थी ना, वो यहाँ पे देनी पड़ती है शायद। एक मिनट, न्यूट्रल हो गया, आ जा भाई, ये वाली लो सर, थैंक यू। Let's go. यहाँ पे फोटोज क्लिक कराई है भाई, जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा कर लो, वहाँ पे अपलोड होती है, वहाँ पे स्टोरी डलती है रेगुलर। और यार ये GS जो पिंक कलर है ना, दिस इज रियली ऑसम। मैं भी यही बात कर रहा था साहिबादी से कि इसका ब्लू कलर, वाइट कलर और पिंक कलर मिला के ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसी बाइक स्टॉक आनी चाहिए BMW की तरफ से, बहुत बढ़िया लग रही है कसम से, इससे बेटर लग रही है मुझे वो। ओके, तो ये पुलिस वाले अंकल स्पेसिफिकेशंस पूछ रहे थे बाइक की, मतलब प्रभजोत पाजी से, कि क्या है ये, कैसे होता है वो, कैसे होता है, कहाँ जा रहे हो। एक तो ना पांचों बाइकें बहुत ऊंची ऊंची सी हैं, तो मतलब जो भी देखता है ना तो सब हैरान हो जाते हैं कि भाई क्या ही लेके आ रहे हैं ये, ऊपर से इतने डब्बे लगे हुए हैं, तो बढ़िया लगती है। मतलब ये लगा लो अभी जो हम बाइक चला रहे हैं ऑलमोस्ट 60-61 लाख रुपए की होंगी, हाँ 50-1 लाख की होंगी, हाँ 50-60 के बीच में पड़ती हैं, तो यार बड़ी चीज है यार, छोटी चीज थोड़े ना। कुछ खाने रुके हैं भाई यहाँ पे, यही लगा देते हैं, ए परफेक्ट। आज का मुंशी कौन बनेगा? आज का मुंशी मैं बनूंगा भाई। लो सर 5000 रुपए दिखा के दूंगा ना, कल को कहोगे मैंने स्पॉन्सर करी थी। मैं घंटा ना स्पॉन्सर करूंगा, ये जो अभी प्रज्योत भाई को 5000 रुपए दिए ना, हम क्या करते हैं एक बंदा सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको पैसे दे देते हैं सर्टेन अमाउंट, ताकि हिसाब में कोई खराबी ना हो। अब 5000 रुपये हमने पांचों ने दे दिए, तो जब वो 25000 रुपये खत्म होंगे तब हम दोबारा 5000 रुपये दे देंगे। तो ये पहले हम करते थे अशोक भाई के साथ, जब अशोक भाई हमारे साथ जाते थे पंजाबी राइडर, तो वो संभालते थे। अब प्रज्योत भाई ने जिम्मा ले लिया, खैर अभी ना कम से कम नहीं तो 2 घंटे हो गए हैं यार, 2 घंटे ज़्यादा बोल दिए, आधा घंटा हो गया प्रज्योत भाई वॉशरूम से बाहर नहीं निकल रहे, पता नहीं कह रहे कोई कब्ज़ सी हो रही है, निकल नहीं पा रही बॉडी बाहर। कोई बात नहीं, मैं 4 बार नॉक भी करा, दिखा देता हूँ आपको। ये बंदा 2024 में अंदर गया था, 2025 हो गया पता लगा, देखो वॉशरूम में बैठ के रीले, 2025 शुरू हो गया, वेलकम न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आज है 1 तारीख, एक्यूरेट टाइम पे आए हो, 1 जनवरी 2025 को बाहर आए हो। ये आई हमारी कुल्लड़ चाय, कुल हंसने के लग गए, कुल्लड़ चाय तो होती है ये, नाइस थैंक यू सो मच। एक लड़का लाया था मूसा पिंड से, सही नहीं है, सही लग रहा है। ये वाली चिड़िया से ना विश मांग सकते हैं, अगर दो जोड़े दिख जाए तो, मतलब एक जोड़ा, अब इकट्ठे दिख जाओ, यहाँ पे तो बड़े सारे हैं भाई, ढेर सारी विश मांग लो। तो आज हम ये विश मांगते हैं कि हमारी राइड सेफेस्ट राइड हो अभी तक की, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स ना है, बस यही चाहिए। चले जी, बिल्कुल हो गया सर, बंद है चेन, बिल्कुल पूरा हा? पूरा बंद है, बंद है बैक साइड बंद है, हाँ जी। अबे यार बड़ा गंदा सीन हुआ अभी, एक बंदा कहता आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने कहा हाँ जी, कहते क्या नाम है, मैंने कहा जट प्रभजोत, कहता लेट्स प्रपोज, लेट्स प्रपोज तो जट प्रभजोत से लेट्स प्रपोज कहाँ बन रहा है यार, वैसे बन तो रहा है बट कितना बढ़िया नाम है ना लेट्स प्रपोज। चलो ठीक है, अगर सही में इस नाम से किसी का चैनल हो सब्सक्राइब कर लेगा वो बंदा। ये देखो भाई वर्सेस 650 ब्यूटीफुल मशीन, मैं गोवा लेके गया था एक बार, ये 1% प्रॉब्लम नहीं आई थी भाई, बहुत कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया बाइक, 1 लाख किलोमीटर भी चलाओगे ना कुछ नहीं कहेगी। ये तो अभी भी आती है बट मेरी वाली अभी आती नहीं है,
कह रहे हैं कि वर्सेस 300 दोबारा आएगी, दोबारा लॉन्च होगी, बट पता नहीं कब तक होगी। मैं तो भाई बहुत संतुष्ट हूँ अपनी बाइक से। ऊपर से ये जो जीवी का मैंने टॉप बॉक्स और ये टैंक बैग लगा दिया ना, जबरदस्त लग रही है इसको लगा के। अरे वाह वाह वाह, सामने खेती हो रही है देखो, कम से कम 50 बंदा नहीं ज़्यादा खेती कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं, आमिर भाई को कुछ अर्जेंट कॉल थी और भाई साहब को भी याद आ गया कि एक अर्जेंट कॉल करनी है। अरे वाह 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 वाह, क्या बढ़िया ट्रक बनाया हुआ, नहीं बाल बनाए हुए ट्रक के, बहुत बढ़िया। बाकी यार राइड बहुत मस्त चल रही है, मौसम भी बहुत प्यारा है, मतलब हल्का हल्का ठंडा है ना, धूप में भी मजा आ रहा है। यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि किसको पेट्रोल डलवाना है किसको नहीं। मेरी तो 100 किलोमीटर की अभी भी रेंज दिखा रहा है, बट मैं भी डलवा लूंगा सेफर साइड के लिए, क्योंकि इस पे ट्रस्ट करना सही नहीं है। 100 दिखा रहा है तो 80 मान के चलो, बीच में एकदम जीरो हो जाता है। तो अभी वो सीधा निकलेंगे और हम यहाँ पे तेल डलवा के वापस आएंगे, पूरा पेट्रोल पंप वो देखो। तो यहाँ पे पर्ची दिखा के फिर आगे जा पाएंगे। क्या प्यारा गांव है यार, पीछे पूरा गांव था, पहले बाइक की पेट पूजा फिर काम दूजा। इसमें तेल नहीं होगा तो भाई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फुल कराना है भैया, फुल कराना है। कितने लीटर का टैंक है? पता नहीं यार, 15 लीटर है शायद। ये भी मेरे ख्याल 16 ही है। अभी तेरी रेंज कितनी दिखा ली थी? मेरी तो अभी 116 किलोमीटर है, 116। आपकी? मेरी दिखा रहा था यार 40-50। 40-50 अच्छी एवरेज है मतलब मेरी बाइक की। ये कौन सा एरिया पड़ता है भैया? ये नसीरपुर है यहाँ। नसीरपुर फिरोजाबाद जिला। अच्छा अच्छा अच्छा, 1250। कितने का हो गया? 1250। 1250 का तेल डला है, वो भी बिल्कुल नाक तक, देखो ऊपर तैर रहा है। इतना नहीं डलवाना चाहिए कभी भी ना, हल्की सी जगह छोड़नी चाहिए, बट कोई नहीं। चलो फ़ोन किसका आ रहा है? इंश्योरेंस वाले भैया का कॉल था, इंश्योरेंस भी आ चुकी है अपनी। एक्चुअली क्या है ना, इंटरनेशनल इंश्योरेंस करानी पड़ती है, मतलब अगर आप नेपाल भूटान जा रहे हो तो आपकी इंश्योरेंस इंटरनेशनल होनी चाहिए। तो मेरी बाइक की इंश्योरेंस नहीं थी इंटरनेशनल, तो मैंने ऐड करवा दिया भूटान। थोड़े से पैसे लगते हैं, 500-1000 रुपये लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। आमिर भाई की बाइक रह गई, खन्ना जी तो निकल गए आगे। अब हमें वापस से ऊपर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जाना है। लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट। पर्ची है भैया लखनऊ तक की हमारी। तो 20 रुपए दे दो। क्यों? डीजल लेके आया पेट्रोल? हाँ? अभी पेट्रोल लिया ना, फिर लिया आपने? किस लिए? लखनऊ के लिए हमने पर्ची कटवाया हुआ ना। उतरने के और चढ़ने के लगता है, जब आप एक ही बार रीड होती है पर्ची। नहीं वो बात नहीं है, बट जो नहीं लगती नहीं लगती, 20 की बात थोड़े ना। अरे मैं दे रहा हूँ, अरे कमाल कर, 20 की तो छोड़ना बात है, जो जायज है वो है बात। ये लो 50 रुपए निकालो, उन्होंने दिए हैं? अच्छा खन्ना जी ने भी दिया है, मतलब फिर ठीक। तेल भरने के बाद निकलने के देने हैं। हाँ, बढ़िया यार, फिर तो हमारे को बेरोजगारी सारे। हम भी यही दुकान खोल लेते हैं। चलो धन्यवाद। अरे कोई अच्छा नोट दे दो भैया, तो अभी जेब में फट जाएगा। नींद आ रही? नींद फिर नींद आ रही है तुम्हें? मना कर रहे रहा नहीं। हेलो भगवान, तुम गाना क्या दिखा रहे हो? नहीं क्या हुआ, कान फंस गए थे मेरे, देखो ना। अबे कान किसके फंसते हैं? नहीं उसमें यार। अच्छा क्या हो गया? कांड हो गया, क्या हुआ? मानना पड़ेगा भाई कावासाकी को यार, चाहे 300 हो चाहे 650 हो, पावरफुल मशीन्स होती है। अभी इनको टक्कर दे रही है, 160 इजीली जा रही है, कुछ नहीं कह रही। और क्या चाहिए भाई, है ना आमिर भाई? आमिर भाई के कान में दर्द हो रही थी, कान में, तो उसके लिए रुके थे, अभी निकलेंगे। अब चलो लखनऊ कितने किलोमीटर? 302, बेवर 116। ऊपर से सही है, सही है। अब तो सबके पास टूरिंग बाइक्स हैं, कुछ भी आ जाए आगे चढ़ा देंगे। हाँ बस यहाँ पे रुकेंगे अभी हम थोड़ी देर और चिल करेंगे, जब तक रुजोत भाई पेट्रोल डलवा के नहीं आते। इस बार बहुत देर बाद गैप ले रहे हैं भाई, कुछ 1.5 घंटे की राइड करी है हमने, हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। स्ट्रेट रोड से ना बिल्कुल प्लेन, तो नींद आ ही जाती है। देखो खन्ना जी की बाइक, और खन्ना जी ढूंढो, यहाँ बैठे हुए हैं। उधर आमिर भाई पानी पूजा कर रहे हैं। अच्छा
सुसु भी करने चले गए। आपको एक चीज़ नहीं बताई ना मैंने, मेरे बाइक की चेसी नंबर पता है क्या है? करीब से देखो। अबे यार ये क्या लगा हुआ है, तो मैं बता ही देता हूँ आपको। कोई भी मॉडल लॉन्च होता है ना इंडिया में या कहीं पे भी, तो पहला चेसी नंबर जो होता है वो कंपनी के पास होता है। तो ये वही बाइक है जो कंपनी के पास थी, मतलब ये इंडिया की पहली वर्सेस 300 है, मानोगे? चेसी नंबर 1 है ब्रो। आपके भाई के पास स्पेशल बाइक होती है हमेशा, विंटेज। फिलहाल तो वेट कर रहे हैं, अभी प्रज्योत भाई पेट्रोल पंप पहुंच गए होंगे, पेट्रोल भरवा के आ रहे होंगे, फिर आगे निकलेंगे। हाँ हम भी कर लें सुसु, कर लेते हैं। बाजी आ गए और आधी टांग खींचनी शुरू, वो ज़मीन पे बैठे हुए थे ना, कहते पॉटी कर रहे हो, स्मेल आ रही हो बड़ी। चलो अभी बस 5-1 मिनट में और निकलेंगे। हाईवे पे यार हवा बहुत लगती है यार, तेज तेज हवा आ रही है। जो भी इतने शैतान है ना, पुलिस चौकी के अंदर चले गए थे अभी बाइक लेके, ओ भाई पूरी गाड़ी खत्म हुई पड़ी है वहां पे। एक्सीडेंट्स होते रहते हैं इस रोड पे। खैर चलो निकले। अरे भैया वेलकम टू लखनऊ, यहाँ के टूंडे कबाब याद आ गए यार। पिछली बार ना मैं मैच देखने आया था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला वर्ल्ड कप मैच था, उधर भाई टूंडे कबाबी के पास गया, टूंडे कबाब खाए, मजा आ गया भाई साहब। अब ये रुकेंगे है नहीं, खिलाएंगे है नहीं, खुशबू ही लेता हुआ जाऊंगा यहाँ से। कमाल है, वर्सेस 650 में भी 1000 का है, इसमें भी 1000 का है, हिमालयन में भी 1000 का है। किसकी एवरेज बेकार है, किसकी सही है समझ नहीं आई। अभी भी यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन है 447 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है रात के 11 बजे हम पहुंचेंगे। अगर हम ऐसे ही चलते रहते हैं तो, मगर हम तो रुकेंगे 2-3 बार। ओ तेरी बैल आगे आ गई। अरे प्रज्योत भी आगे आ गया, अभी कुत्ता भी आया था, पता है क्या हुआ? अभी 140 की स्पीड होगी कुछ, आगे कुत्ता आ गया था प्रज्योत भैया की बाइक के, अभी ये बैल आ गई। अरे भैया ऐसे मत करो, वाहेगुरु सब कुछ ठीक रहे। हेलो भैया हमें भी देख लो। हेलो आलम मुरादाबादी चिकन बिरयानी, तो इन्होंने पहले भी यहाँ से बिरयानी खाई हुई है प्रज्योत भाई ने, कह रहे हैं बहुत टेस्टी होती है। तो आज का लंच यहाँ पर, बिना वाइट वाली चटनी के ना बिरयानी का मज़ा नहीं आता भाई जी। इसमें मिर्ची होती है ना, टेस्टी होती है बहुत, देखने में बढ़िया लग रही है, स्वाद है। लखनऊ में कहीं से भी बिरयानी खा लो टेस्टी मिलेगी आपको, ये मैंने देखा है, सेम टेस्ट, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट, टेस्टी थी, पेट भर गया। अब आई थिंक हम 3-4 घंटे नहीं रुकने वाले जितना मुझे आइडिया है। 4 से 6 बजे के बीच में ना छुट्टी का टाइम होता तो यहाँ पे भीड़ हो जाती है, तो प्रज्योत भी वही कह रहे थे फटाफट निकल जाओ बस यहाँ से किसी तरीके, क्योंकि जाम लगने वाला अब तो यहाँ पे। बाय बाय लखनऊ, फिर मिलेंगे वापस आते हुए, और टूंडे कबाब भी खाते हुए जाऊंगा भाई पक्का। कहाँ लगाऊंगा इसको, बाइक पे कहाँ लगाऊंगा, ऐसे कैसे लगा दूं, यहाँ पे हिलता रहेगा। कह रहे यहाँ लगा दो, सही तो है ना? नहीं भाई मैं गाड़ी लाऊंगा ना तब ले जाऊंगा। पेट्रोल 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 भाई, शाम के बज रहे हैं 7:40, आई थिंक 11:30 बजे तक पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। बट यार ठीक है, मतलब रोड्स अच्छी है ना, स्ट्रेट रोड्स हैं, कोई गड्ढे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस चलाई जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये है कि थोड़ी सी नींद ज़रूर आती है बीच बीच में, तो अभी थोड़ी देर रेडबुल पी, थोड़ा ओके हो गया मैटर, अब सही है। चाचा गरम गरम चाय बेच रहे हैं, सही है चाय गरम है देना भैया, धन्यवाद सर। यूपी वालों को बड़ी फुर्सत है, गाड़ी रुकाते चलाते बाइक देखते, इतना टाइम इनके पास है ना, वो देखो अभी तक वहाँ बैठ के देख रहे थे। सबको पसंद है यार बाइक्स, बाइक्स किसको नहीं पसंद भाई। टाइम हो रहा है 9:02, बाइक करनी है ऑफ, क्योंकि रास्ता देख रहे हैं एक बार प्रज्योत भाई की, नीचे से है या ऊपर से है, यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं, ऊपर से नीचे से। और मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, ये जो डिवाइडर के आगे जो ये पड़ा होता है, इसके अंदर ये टंकी क्यों है? वाह भाई वाह, पानी है अंदर, ये देखो, बताओ टंकी रखी होती है इसके इधर बीच में, कब कोई बंदा आएगा इसमें पानी में घुसेगा जाके, मतलब कभी हो जाता ना डिवाइडर से पहले एक्सीडेंट। वाह यार
मतलब पानी है इसके अंदर, मैंने पहली बार देखा ये। एक रास्ता ऊपर जा रहा था ना, एक रास्ता नीचे जा रहा था, हमने नीचे वाला सिलेक्ट करा और ये देखो भाई व्यू चेक करो, पूरा जंगल, मतलब कितना मजा आ रहा होगा सोचो। ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लग रही है और रास्ते बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरे रास्ते, बट ये है कि जंगल है तो थोड़ा बहुत रिस्क भी है, बट कोई नहीं यार मजा आ रहा है। ये रही हमारी बाइक्स और अभी हम रुके हैं यहाँ पर। ये बहुत सुंदर सा ढाबा है, मतलब बिल्कुल ओल्ड फैशन ढाबा, जो हम सोचते हैं कि ढाबा होना चाहिए प्रॉपर वो है ये। और यहाँ पे अभी हम खाएंगे चिकन चावल रोटी। ले आए सर, ले आए, हाँ इतना ही चाहिए बस, थैंक यू। हाँ नहीं वहाँ ही बैठूँगा, चिकन चावल रोटी। Let's go. अब बस यहाँ से आई थिंक एक डेढ़ घंटे का रास्ता और है, और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे और सुबह निकल जाएंगे फटाफट से। फाइनली भाई होटल पहुँच गए जहाँ पे हमें पहुँचना था, होटल राजीव रेजिडेंसी। कुछ दो मिनट पहले इस रूम में आए थे हम, और दो मिनट बाद ये हाल हो गया देख लो, और इनका ये हाल हो गया, इनका ये हाल हो गया, पजामी में आ गए। और यार ये AC क्यों ऑन है? अच्छा गोपालगंज, गोपालगंज पहुंच गए यहाँ पे जो कि बिहार में है, एंड आज हमने 1000 किलोमीटर के आसपास राइड करी है। 1000 एग्जैक्ट भाई, आंखों से पता लग रहा होगा, खासकर इनकी देखो। अच्छा तो कुछ अच्छा ऐसी है क्या इनकी? अच्छा इसने कुछ और भी करा हुआ है। तो ठीक है यार, होप करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो मन करे वो करना। मिलते हैं इससे भी अच्छी और अच्छी वीडियो में। टिल देन देख के बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में मिलते हैं, थके हुए हैं सो रहे हैं, ठीक है बाय।